नमस्ते, आइए आज सुनेंगे प्रभु रामचंद्र के बनवास गमन की कहानी। राग मुल्तानी की बनवास चले श्री राजा राम तथा अवध नगरिया सूनी भैली, ये दोनों बंदिशें प्रभु रामचंद्र के बनवास गमन की घटना का चित्रण करती हैं। प्रभु रामचंद्र जब 14 वर्ष के बनवास के लिए अयोध्या से प्रस्थान रखे होंगे, तब उन्हें उनके कुटुंबीय, सगे संबंधी और अन्य पौरजनों ने नगरी से कैसे विदा किया होगा, इसका काल्पनिक चलचित्र मेरे आंखों के सामने चलता है जब मैं इसे गाती हूँ। राग मुल्तानी के करुण दर्द भरे स्वर मुझे इस भाव के प्रकटीकरण के लिए यथायोग्य लगते हैं। मैं कुछ ऐसा भी अनुभव करती हूँ कि शरयू तीर पर इकट्ठा हुए अयोध्या के सैकड़ों पौरजनों में से मैं भी एक हूं, और मेरे लाडले राजपुत्र को मेरी मर्जी के विरुद्ध मुझे विदा करना पड़ रहा है। इसके लिए मेरे मन में दुख भी है, राजपुत्र के लिए चिंता भी और क्रोध भी। दूसरी ओर मेरे मन में मेरे लाडले राजपुत्र के प्रति गर्व भी है कि वह अपने पिता के वचन पूर्ति के लिए अपने सुखों का त्याग कर राजी खुशी से वनवास गमन कर रहे हैं। आइए, मैं आप सभी को भी अपने लाडले राजपुत्र को विदा करने के इस अनुभव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुनेंगे राग मुल्तानी में वनवास चले श्री राजा राम।
चले